13 मई शनिवार को प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा का समागम हो रहा है और ये उनका कथा भी होना है। श्री गणेश पुरम में ये व्यवस्था की गई है, देख पा रहे हैं कि काफी बड़ा स्पेस है यहाँ पे और काफी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ भी आने की संभावना यहाँ पर है। उसको लेकर लगातार पुलिस जो है व्यवस्था में लगी हुई है ताकि ये कार्य जो है बेहतर ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। पार्किंग की अगर बात करें तो किस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था है, रूट चार्ट अगर तय किया जाए तो काफी संख्या में जो है लोग आने की संभावना है, उसको लेकर जो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, रूट कैसे तय किया गया है? इसमें जो गणेशपुरम जो जगह है जहाँ पर कार्यक्रम होना है वो नेशनल हाईवे 30 पर स्थापित है और नेशनल हाईवे होने के कारण से एक पार्किंग एक चैलेंज के रूप में रहेगा। हम लोग का ये है कि जो समय पर पहले आ जाएंगे तो जो बिलासपुर के तरफ से जो आने वाली ट्रैफिक है या फिर बोला जाए पौड़ी की तरफ से बोर्डा की तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है उनकी गाड़ियां हैं तो उसको हम लोगों के द्वारा मंडी परिसर में उसको पार्किंग का जगह बनाया गया है। मंडी परिसर में पैक हो जाने के बाद में जो रोड के किनारे दूर दूर तक जो पार्किंग स्थल है बोर्डा पौड़ी रोड पर कुंडा रोड पर उस जगह पर उनकी पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। वैसे ही जो अपने कवर्धा शहर से यहाँ कार्यक्रम के लिए आते हैं उनको भोरमदेव तिराहा के पास में जो ग्राउंड है उस जगह पर पार्किंग व्यवस्था दी जाएगी और उसमें जैसे इफेक्ट हो जाता है तो हम लोग मिनी माता चौक पर उसके पीछे गाड़ियों को रोकने का काम करेंगे। क्योंकि ये नेशनल हाईवे में है इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा सरहदी जिले जैसे मुंगेली हो गया, बेमेतरा हो गया, खैरागढ़ हो गया, इवन के मंडला हो गया डिस्ट्रिक्ट, तो उन जिलों के एसपी से संपर्क किया गया है कि वहां से आने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको पहले से ही परिवर्तित मार्ग के संबंध में उनको अवगत कराया जाए और यहां कवर्धा शहर में एंट्री उनको रोका जाए। हम लोगों के द्वारा भी यहां से 5-7 किलोमीटर पहले से उन बड़ी गाड़ियों को पहले से रोक दिया जाएगा और अगर लगेगा हम लोगों को जब समय ऐसी आएगी कि यहाँ आने वाली क्राउड बहुत ज्यादा है तो हम लोग द्वारा शहर के दूर ही या फिर अपने सरहद के पास में लोगों को रोकने की कार्रवाई की जाए। काफी संख्या में लोग आने की संभावना, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, उसको व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार के जो पुलिसिंग की व्यवस्था की गई, जवानों की तैनाती जो की गई है वो क्या व्यवस्था लगाई गई है? इसमें यही है कि जो श्रद्धालु आए वो व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से यहाँ तक पहुंच जाए और समयबद्ध तरीके से सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकल जाए, तो इसके लिए मुख्य फोकस हम लोगों का पार्किंग का रहेगा। साथ ही साथ काफी ज्यादा लोगों की यहाँ आने की संभावनाएं हैं तो उसको देखते लगते हुए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई जिसमें पब्लिक एंट्री, वीआईपी एंट्री या फिर सेक्टर्स की जो व्यवस्था है, डोम के अंदर की व्यवस्था है उसका सबका आकलन किया गया है और हम लोगों के जिले के अतिरिक्त लगभग 400-500 का बाहरी का बल रहेगा, उनके माध्यम से हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो एंट्री की अगर बात करें तो कितनी एंट्री जो है लोगों के आगमन के लिए यहाँ पहुँचने के लिए बनाई? उसमें प्रमुख तौर पर दो एंट्री है, इनके दोनों एंट्री काफी चौड़े चौड़े हैं, एक एक जगह पर तीन तीन चार चार DFMD लगाए गए हैं, DFMD से प्रेस किया जाएगा उसके बाद में एंट्री दी जाएगी खास करके सामने के सभी सेक्टर्स को, तो दोनों एंट्री से उपयोग किया जाएगा। VIP एंट्री के लिए अलग से एक रूट निर्धारित किया गया है जो वहां से लाकर लोग जो आएंगे सर जो काफी दूर दूर से आएंगे उनको जानकारी भी नहीं होगी तो असुविधा ना हो, इससे बचने के लिए किस प्रकार की एक अपील करना चाहेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो, अपना यहाँ आके जो है सुरक्षित ढंग से आए और कथा वाचन कर सके? यहाँ इसमें यही है कि हम लोग पार्किंग स्थल से लेकर यहाँ तक गाइड करने के लिए हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, पुलिस के जो निर्देश हो उसको फॉलो करें और समय पूर्व यहाँ उपस्थित हो ताकि आपको सही जगह पर पार्किंग की जगह मिल पाए और सही जगह पर बैठने की व्यवस्था मिल पाए। आखिरी समय पर भीड़ के रूप में आने पर असुविधा हो सकती है, इसलिए समय पर आप अपने जगह। तो इस तरह से जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है कि प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम यहाँ कथा वाचन लोग अपना सुन सके और अपील भी लोगों से की जा रही है कि समय पूर्व में आए, अपना जो स्थान सुरक्षित करें, यहाँ पर किसी प्रकार का किसी रोक टोक नहीं है और यहाँ का जो स्पेस है जो कथा स्थल का जो कार्यक्रम है काफी बड़ा स्पेस है और सारी सुविधाएं यहाँ पे जुटाई गई है और जिसमें श्रद्धालुओं का खुद को जो है असुविधा से बचने के लिए खुद अपनी व्यवस्था में सहयोग करने के लिए अपील की जा रही ताकि
सारे लोग यहाँ पे आकर कथा वाचन कर सकते हैं। सतीश तमोली।